गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्पीडी सामान्य अध्ययन की बुक से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। अमेरिका का संविधान कब बना? 1789 में, 1789 में अमेरिका का संविधान। तो इससे क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब हम आते हैं आगे की तरफ। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से कनाडा का संविधान तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जो कि 1946 में संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। क्या क्या लिया गया है कनाडा के संविधान से? संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। अब हम आते हैं आयरलैंड का संविधान 1937। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ली गई है। अब हम आते हैं ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। अब हम आते हैं जर्मनी का संविधान 1933 से क्या क्या लिया गया है? तो आपातकाल उपबंध। तो आपातकाल जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की पद्धति। तो जो संविधान संशोधन की पद्धति है वो कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब हम आते हैं सोवियत संघ का संविधान 1936। तो सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से। अब हम आते हैं फ्रांसीसी संविधान 1946। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांसीसी संविधान से। अब हम आते हैं आगे की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन लिया गया है। तो प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब हम आते हैं जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो जापान के संविधान से। इस प्रकार हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।